minash rajim, Dear students, assalamu alaikum. This is Naim Ahmed Kazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today, our topic of discussion is adjective. Adjective is a word or is a part of speech that is used to describe or modify a noun. Let's study the adjective. हमारे सामने तीन एग्जाम्पल्स हैं बोर्ड के ऊपर अगर हम उनको देखें तो पहली एग्जाम्पल है शी इज क्लेवर गर्ल काइंड ऑफ गर्ल इज शी शी इज क्लेवर गर्ल तो क्लेवर जो है वो मॉडिफाई कर, कर रहे गर्ल को जो कि एक नाउन है अब यहां अगर हम देखें तो ये नाउन है और ये नाउन के बारे में बता रहा है कि वो किस किस्म की लड़की है तो क्लेवर तो ऐसे अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं आए एक और एग्जाम्पल देखते हैं आई डोंट लाइक दैट बॉय आई लॉन्ग आई डोंट लाइक दैट बॉय तो ये दैट जो है ये बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है डेमानस्ट्रेट कर रहा है तो ये भी एक एडजेक्टिव है और जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है बॉय एज ए नाउन आए एक और आग्जाम्पल देखते हैं ही गेव मी फाइव मैंगोज अब ये Mangoes जो वर्ड है ये बेसिकली नाउन है और किसी चीज का नाम है अब क्वांटिटी जो है कितने नंबर में है अब ये एग्जैक्ट नंबर दे रहा है फाइव ये सम भी हो सकता है ऑल भी हो सकता है अफ यू भी हो सकता है तो ये जो है ये हाउ मैनी हमें बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है आए आगे, आगे देखते हैं एडजेक्टिव को अगर हम डिफाइन करें अ वर्ड यूज विद डिस्क्राइब और

ये हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं आए हम आगे इनकी एग्जांपल्स पे देखते हैं काइंड्स पे देखते हैं और इनका जो सीक्वेंस है ऑर्डर है उसको देखते हैं पहले आप ये याद रखें कि दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं एक एट्रीब्यूटिवली करते हैं और एक प्रेडिकेटिवली करते हैं ये याद रखें कि जब भी हम लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमारे पास वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव आता है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आता है क्योंकि लिंकिंग वर्ब के पास के बाद हम देखते हैं कि या हमारे पास आ जाता है नाउन या एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आता है तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है अगर वो नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है मिसाल के तौर पे द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड ये नाउन के साथ आया है द लेजी बॉय तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव या एपिथेट जहा हम कह सकते हैं यूज एट्रीब्यूटिवली प्रेडिकेटिव कौन सा है द बॉय इज लेजी अब आप देखें कि वर्ब ऑफ इनकम प्रेडिकेशन और उसके बाद लेजी यानी कि लेजी कॉम्प्लीमेंट है कौन लेजी है बॉय अब यहां पर बॉय पहले है फिर वर्ब है फिर लेजी है तो ये टिव एडजेक्टिव है प्रेडिकेटिवली यूज एडजेक्टिव है ये आपने याद रखना है हमेशा अब जो हमारे पास टाइपेक्टिव होती है वो आप देखेंगे तो एक है descriptive kind, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है उसमें क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है वो दूसरा है लिमिटिंग एड्जेक्टिव हमारे पास जो क्वान्टिटी से मकदार से नंबर से उससे रिलेटेड होते हैं तो आए हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और लिमिटेड लिमिटिंग ये दो टर्म्स हैं अब ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए याद रखने में लेकिन हम आगे चलते हैं जहां पे हमारे पास सारी जो तकरीबन किस्में एडजेक्टिव्स की वो इंडिपेंडेंटली डिस्कस हुई हुई हैं आए उनको देखते हैं ताकि हमें उनका मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए उनकी लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द बोर्ड अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं यानी खासियत या किसी चीज की खूबी अब खूबी से मुराद क्वालिटी से ये नहीं है कि कोई अच्छा ही होना है बुरा भी जो होना है वो भी एक क्वालिटी है ट्रेटी है अब देखते हैं किसकी ब्यूटीफुल, हमारे पास एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट काइंड लार्ज बल्कि, अगली ये क्वालिटीज बयान करें मसलन सादिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल अब व्हाट काइंड ऑफ गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल ये उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है अच्छा ये क्वालिटी क्यों है इसको आप क्वालिटी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ये एक ओपिनियन है ओपिनियन क्यों कह सकते हैं कि आपने ये याद रखना है कि जब भी आप ओपिनियंस को डील करते हैं तो वो ओपिनियंस वेरी करती हैं वो किसी की नज़र में हो सकता है खूबसूरत हो किसी की नज़र में ना खूबसूरत हो तो ये ओपिनियन जो है ये भी क्वालिटी के अंदर ही आता है और ये इसीलिए इसको ओपिनियन कहते हैं क्योंकि इट वेरीज फ्राम टू पर्सन अब अगर आगे देखें कराची इज अ लार्ज सिटी कराची इज अ लार्ज सिटी कराची बहुत बड़ा शहर है ये भी आपकी क्वालिटी के एडजेक्टिव में आ जाएगा अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव यह भी आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर ही आ जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास हम उस उसमें दो चीजें आपने जहन में रखनी है एक तो वो ओरिजिन से ताल्लुक रखता है ओरिजिन से ताल्लुक रखता है इसलिए वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है प्रॉपर का मुराद यह है प्रॉपर से जैसे आप प्रॉपर नाउन लिखते हुए पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं इसी तरह आप प्रॉपर एडजेक्टिव जो किसी ओरिजिन से मुतालिका हो उसमें भी आप पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं मिसाल के तौर पे एक शख्स है हम कहते हैं कि ये टर्किश है यानी तुर्की का रहने वाला है तो हम जब टर्किश लिखेंगे तो टी कैपिटल होगा दूसरा शख्स है वो पाकिस्तान का रहने वाला है जब हम कहेंगे ही इज अ पाकिस्तानी तो पी जो है वो कैपिटल होगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव है इसी तरह अगर कोई शख्स भारत का रहने वाला है तो हम कहेंगे ही इज एन इंडियन तो आई उसका कैपिटल होगा इंडियन का तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो हैं ये बुनियादी तौर पे हम बनाते हैं मुल्क के नाम से चाइनीज जैपनीज टर्किश पोर्चुगीज ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन एंड सो ऑन एंड सो फोरथ ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें हम पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखते हैं अब हम चलते हैं एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिट्टी की तरफ क्वान्टिटी से मुराद मकदार है अब हमारे पास ये यहाँ जो क्वान्टिटी है ये आपने बड़े ही तसली से और बड़े अच्छे तरीके से समझनी है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है के जो क्वांटिटी के एडजेक्टिव हैं वही एडजेक्टिव एक और जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपने उनमें फर्क पता होना चाहिए आपको अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी सम वन नन ओल एनी होल सच एटसेट्रा ये क्वांटिटी के हैं मकदार के हैं अब मकदार कौन सी मकदार उन चीजों की जो चीजें आप गिन नहीं सकते ये आपने याद रखना है मिसाल के तौर पे राइस है यू कैन नॉट काउंट राइस तो आपका जो ये सम है ये क्वांटिटी बता रहा है इसका मतलब इसका नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है यानी कि ये उसकी मिकदार बता रहा है और मकदार इस चीज की बता रहा है जिसको आप गिन नहीं सकते अब ही शोड मच पेशेंस उसने बहुत सब्र दिखाया अब ये जो मच है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है पेशेंस को पेशेंस जो है वो बुनियादी तौर पे काउंटेबल नहीं है वो ऐसा नाव नहीं है जिसको आप ये कहें कि एक पेशेंट्स दो पेशेंट्स तीन पेशेंट्स या जिस तरह हम कहें कि जी के दो दो मैंगोज दो आम चाहिए हम ये नहीं कह सकते एक पेशेंस है या दो पेशेंट वो काउंटेबल है ही नहीं तो इससे पहले जो आता है एडजेक्टिव चाहे वो सम हो वन हो नन ऑल वो जो है वो बुनियादी तौर पे क्वांटिटी का एडजेक्टिव होता है और वो ऐसी चीजों के से पहले आता है जो काउंटेबल नहीं होती मिसाल के तौर पे ही शोड मच पेशेंस आई एट सम राइस आई नीड सम मिल्क आई हैड सम रेस्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गए हैं इसके बाद नंबर के जो एड्जेक्टिव हैं उनमें पहली जो दो किस्में हैं वो है पहली हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव इनमें होते हैं जनाब ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ये बड़े आसान है समझने ये हैं डेफिनेट न्यूमरल यानी सौ फीसद एग्जैक्ट नंबर बताने वाले सौ फीसद एग्जैक्ट जो नंबर है वो बताने वाले अब इसको आपने समझना कैसे है? एक किस्म है जिसको हम पोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं दर्जे के लिए फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ एक है जो हम कहते हैं एक एक लड़का दो लड़कियां तीन बच्चे चार बेटियां तो ये एक दो तीन चार जो है ये होता है कार्डिनल और जो एक दो जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो होता है ऑर्डिनल इसको आपने कैसे समझना देख लें अगर पहले आपके ऑर्डिनल है अगर ये लफ्ज है ऑर्ड तो आप समझें कि ये है ऑर्डर ऑर्डर का यानी के तरतीब फर्स्ट सेकेंड ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन पहली पोजिशन दूसरी पोजिशन सेकेंड थर्ड पोजिशन तो यह ऑर्डर है ऑर्डिनल पहला दूसरा तीसरा अब अगर यह है कॉर्डिनल तो फिर इसका मतलब है यह सिंपल है ही हैज टू चिल्ड्रन आई हैव वन फ्रेंड वी हैव फोर्टी स्टूडेंट इन आर क्लास अब वन टू फोर्टी ये सीधा कार्डिनल इसको आप कहेंगे कार्डिन, कार्डिनल और अगर ओ आर डी वाला अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड है तो समझ लें ये ऑर्डर की बात है तो ये आपके एग्जाम में एम, MCQs में आता है नॉर्मली वह ऑर्डिनल है या कॉर्डिनल है अब इसको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल और इसकी दो किस्में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ होनी चाहिए अब आ गया इनडेफिनेट न्यूमरल अब यहां पर मैंने आपके लिए ये दो किस्में लिख दी हैं क्वांटिटी का भी लिख दिया और इनडेफिनेट न्यूमरल का भी लिख दिया ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमने यहां एडजेक्टिव सारे वही हैं फर्क क्या है आए देखते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो मसलन आप देखें ऑल नो मैनी फ्यू समी सर्टिन सेवरल संडे सनड्री सॉरी अब Sunray. अब ये सारे के सारे जो हैं ये सारे भी वही तकरीबन जो हैं एडजेक्टिव्स uh, हैं जो हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन फर्क क्या है अब देखें क्वांटिटी में हम कहते हैं कि आई एट सम राइस राइस जो है वो अनकाउंटेबल है इसको हम काउंट नहीं कर सकते यानी एक राइस दो राइस दस राइस हम नहीं कह सकते इसलिए जब सम यहां लगेगा तो ये होगा क्वांटिटी का एडजेक्टिव लेकिन यही सम अगर यहां लगेगा सम बॉयज आर क्लेवर अब बॉयज जो है बॉयज वन टू थ्री फोर फाइव हो सकते हैं काउंटेबल हैं तो जब यही सम यानी यहां लगा तो यह इनडेफिनेट न्यूमरल हो गया नंबर का एडजेक्टिव हो गया और नंबर की कौन सी किस्म में आ गया इनडेफिनेट न्यूमरल यानी जब यही एडजेक्टिव एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया तो वो क्वांटिटी का हो गया और जब काउंटेबल नाउन से पहले आया तो वो इनडेफिनेट न्यूमरल हो गया क्योंकि है वो नंबर वाली चीज अब इनडेफिनेट न्यूमरल क्यों हुआ इनडेफिनेट जिसका अहाता ना किया जा सके जो जो अब अहाता तो नहीं हो सकता लेकिन जो नाउन है वो है कौन सा न्यूमरल यानी नाउन है काउंटेबल है लेकिन कितने हैं ये या बताना नहीं चाहता या पता नहीं है इसलिए यही चीज यहां पे आके इनडेफिनेट न्यूमरल हो जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एम में ये आते हैं आपके इस तरह जो आपको ये ट्रिकी से जो चेक करना चाहते हैं कि आपको क्वांटिटी में अगर सम लिखा हुआ आई वॉन्ट सम मिल्क तो वो पूछेंगे कौन सा है इनडेफिनेट न्यूमरल है या क्वांटिटी का है अब वो हो सकता है पूछेंगे देर आर मैनी बॉयज इन द क्लास अब आपने नाउन देखना है अगर नाउन काउंटेबल है तो वो इनडेफिनेट न्यूमरल हो गया यानी कि है न्यूमरल लेकिन इनडेफिनेट है पता नहीं है जब बताना नहीं चाहते और दूसरा जिसमें नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो वहां पे आपका वो क्वांटिटी का हो जाएगा यू हैव नो सेंस अब वन सेंस टू सेंस थ्री सेंस नहीं हो सकता इसलिए नो no जो है वो क्वांटिटी का एडजेक्टिव है ऑल मैन मस्ट डाई अब मैन है काउंटेबल नाउन है ऑल मैन तो यहां पे क्या हो गया इनडेफिनेट न्यूमरल नंबर करेंगे यहां मकदार का वहां नंबर का लेकिन इनडेफिनेट नंबर ये आपको इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी जो आप एक्सरसाइजेस देखेंगे तो आपको ये ज्यादा जल्दी इसकी समझ आ जाएगी लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द बोर्ड जहां पे कुछ और इसकी किस्में एडजेक्टिव की मौजूद हैं और इसका जो सीक्वेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप पे है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से निकला यानी तकसीम करने वाला अब हम तकसीम में कौन से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं फर्ज करो हम कहते हैं ईच एवरी ईदर नीदर या आइदर नाइदर जो भी आप इसको प्रनाउंस करें अमेरिकन या ब्रिटिश भी वो इज नो डिफरेंस तो हम ये जो हमारे पास एजेक्टिव हैं उनको हम कहते हैं कि ये ये एजेक्टिव जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एजेक्टिव हैं आए देखें इसकी इसको ईच बॉय मस्ट पार्टिसिपेट ईच बॉय मस्ट पार्टिसिपेट एवरी स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड दर यू और योर फ्रेंड नीदर यू नॉर योर फ्रेंड तो ये जो है हम इनको जब हम यहां पे भी आपने ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला है कि जब ये अल्फाज नाउन के साथ जुड़े हुए हों तो ये एडजेक्टिव होते हैं और अगर नाउन और इनके दरमियान कोई और वर्ड आ जाए तो ईच ऑफ यू तो वो उस सूरत में ये एडजेक्टिव नहीं रहते ये प्रोनाउन बन जाते हैं आए इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इशारा करता है मसलन मैं कहता हूं दिस पेन दिस पेन दिस मार्क दिस मार्क दैट बॉय दिस बॉय दीज बॉयज सच बॉयज तो ये जो सारे के सारे इस तरह के अल्फाज आते हैं वो असल में इशारा कर दैट बुक इज माइन नो दैट बुक इज माइन तो ये जो दैट दीज दी, दी, दिस, दिस ये जब ऐसी पोजीशन में इस्तेमाल होते हैं कि नाउन के बिल्कुल साथ पहले होते हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं और इनको हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि ये उस वक्त ये बता रहे होते हैं कि ये इशारा कर रहे होते हैं कौन सी किताब या कौन सी चीज मसलन दिस बॉय इज स्ट्रोंगर अब यहां पे आपने ये जहन में रखना है कि कानून क्या है मैं कहता हूं दिस बॉय इज स्ट्रगर इसका मतलब है कि मैंने जो दिस है उसको बॉय के बिल्कुल साथ इस्तेमाल किया तो ये एडजेक्टिव हो गया जब मैं कहूंगा बॉय अब आ गया वरमियान में दिस के बाद तो इसका मतलब है कि ये एक प्रोनाउन बन गया ये एजेक्टिव ना रहा ये एक प्रोनाउन बन गया एजेक्टिव ना रहा अब ये कानून है इसका ये आपने इसको बिल्कुल जहन में रखना है अब आ गया इंट्रोगेटिव एजेक्टिव ये होता है सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव व ये होगा वट हुज विच विच वे शेल आई गो वट बुक शुड आई बाय तो ये जितने ये एडजेक्टिव क्वेश्चन के लिए आते हैं बिल्कुल नाउन के साथ वो को हम इंट्रोगेटिव एड्जेक्टिव कहते हैं अब इसके अलावा एक एडजेक्टिव होता है पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव जो बेसिकली है वो है हमारे पास पोजेशन शो करने के लिए मसलन हम कहते हैं माई बुक बिल्कुल नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ पोजेशन शो कर रहा है तो क्या हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव तो ये जब माई मसलन हम कहते हैं दिस इज माई बुक तो ये माई क्या हो गया एडजेक्टिव अगर हम कहते हैं दिस बुक इज माइन तो माइन क्या हो गया प्रोनाउन तो ये आपने यहां पोजेसिव एडजेक्टिव को भी समझना है फिर हमारे पास लास्ट में आता है सीक्वेंस और ऑर्डर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको इकट्ठे दो तीन एब्जेक्टिव लगाने पड़ जाए या इससे ज्यादा तो पहला है क्वान्टिटी और नंबर दूसरा है क्वालिटी या ओपिनियन वाला यानी पहला क्वान्टी पहले नंबर पर क्वान्टिटी दूसरे पे क्वालिटी तीसरे पे साइज चौथे पे एज पांचवें पे शेप छठे पे कलर सातवें पे प्रॉपर एडजेक्टिव, आठवें पे पर्पस, यानी तीन अगर हमारे पास चार आ जाए एडजेक्टिव, फर्ज करो ये जो एग्जांपल, आई लव रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार अब आप देखें कि यहां पे हमने जो एडजेक्टिव्स लगाए हैं रेली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक ये जो इस ऐसी सूरतें जब आ जाएं एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो देन यू मस्ट फॉलो दिस क्वेंस डिसरवाइज वो फिर आपके लिए उसमें इशू आ जाएगा कि वो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी काफी मुश्किल सा टॉपिक है लेकिन अगर आप इसको एक दो दफा तीन दफा देखेंगे तो आपको आपके लिए आइडिया जो है इसका काफी क्लियर हो जाएगा अब मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़